जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं जो आप लोगों के लिए अद्भुत प्रयोग लेकर के आए, इस प्रयोग से आप अपने शत्रुओं से पीछा छोड़ा लेंगे। शत्रुओं से बहुत लोग परेशान हैं, डेली मेरे पास कितने कॉल्स मैसेज आते हैं, गुरु जी शत्रुओं से मैं कैसे, मुझे बचाइए, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, या तो मुझे अब सोसाइटी करनी पड़ जाएगी, किसी ने कब्जा कर लिया है घर में, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, यानी हर प्रकार से व्यक्ति शत्रुओं से इतना परेशान हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे पीछे छोड़ा है शत्रुओं से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज मैं जो आपको अद्भुत प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग से शत्रु आपको ही छोड़ करके भाग जाएगा, आपके काम में जो विघ्न डाल रहा था विघ्न दूर कर देगा। बहुत से कंपनी के बहुत सी एम्प्लॉइज के शत्रु बन जाते हैं, घर में ही शत्रु होते हैं, पड़ोस में शत्रु होते हैं, शत्रु अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ गुप्त शत्रु होते हैं, कुछ साक्षात आपके प्रकट शत्रु होते हैं। तो जितने भी प्रकार के शत्रु हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप सच में परेशान हैं तो ये अवश्य प्रयोग करिए। आपको लगता है कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसी अगर स्थिति बन गई तो निश्चित आप प्रयोग करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। और मैंने बार बार आप लोगों से बोला है कि शत्रु क्यों परेशान करते हैं, क्या कारण है, कुंडली में से कौन से कारण बनते हैं कि आपको शत्रु परेशान करते हैं। कुंडली का छठा भाव जहां से रोग ऋण शत्रु देखे जाते हैं, छठा भाव यदि पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं का परेशान करना बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा शत्रु परेशान करते हैं, उन लोगों के बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं। यदि छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हों तो वो व्यक्ति शत्रुओं से लड़ लेता है, पर क्रूर ग्रह ना हो तो वो व्यक्ति शत्रुओं से लड़ भी नहीं पाता है, ये दिक्कतें आती हैं। अब आपको करना क्या है, कुंडली दिखवाइए सबसे पहले अपनी। मैंने बार बार बोला है कि आप लोग अपनी सबसे पहले कुंडली दिखाइए, बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना कुंडली दिखाए पता ही चलेगा कि आपका छठा भाव तो पीड़ित नहीं है, षष्ठी से पीड़ित तो नहीं है। षष्ठी से यदि पीड़ित है तो उसका उपाय करना पड़ेगा। तो पहले कुंडली के उपाय करिए, फिर आप ये उपाय करिए, तब आपको अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी कुंडली आप लोग दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका सपनी डिटेल नहीं है, अपने बच्चे की डिटेल आप व्हाट्सअप कर दीजिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, वो सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और सब कुछ आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में क्यों समस्या आ रही है, क्यों शत्रु बढ़ गए हैं, कैसे शत्रु दूर होंगे, किन ग्रहों का जाप करने से दूर होंगे। और मैं जो भी उपाय बताता हूँ घरेलू उपाय बताता हूँ, उसमें आपका एक रुपये खर्च नहीं होता है, एक रुपये खर्च नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगता है, एक दो चार मिनट में आपके उपाय हो जाते हैं घर में ही। और उन उपायों को करके आप अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और जो मैंने बारह बोला, जो मैं यंत्रों की पूजा और मंत्रों का जाप बताता हूँ, उसके लिए केवल आपको डेली 10 मिनट देने पड़ते हैं। वो यदि आप 24 घंटे में आपने 10 मिनट दे दिए तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं था, यू कांट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते थे, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप राजाओं की तरह आलीशान लग्जरियस बिल्कुल सुखमय लाइफ जिए, अब वो 10 मिनट डेली दीजिए और यंत्रों की पूजा मंत्रों का जाप अवश्य करिए जो मैं बताता हूँ। और यदि आप अपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, खूब शेयर करिए। और आप ध्यान सुनिए, आपको करना क्या है, आपको लेना, देखिए आपके अगल बगल देख लीजिए कोई कांटेदार वृक्ष हो, कांटेदार जहां वृक्ष हो वही काला कपड़ा ले लीजिए, काले कपड़े के ऊपर काजल से जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जिस शत्रु से आप बहुत ज्यादा परेशान है, काले कपड़े के ऊपर काजल से, एक शत्रु हो तो एक का नाम, दो हो तो दो का नाम, तीन हो तो तीन का नाम, इतने शत्रुओं से परेशान है उन सबका नाम लिख दीजिए। कांटेदार पेड़ के पास जाइए, काला कपड़ा ले लीजिए, काजल से शत्रुओं का नाम लिख दीजिए और गाड़ दीजिए कांटेदार पेड़ के नीचे, और उसके ऊपर एक कील भी ठोक दीजिए शत्रु का नाम लेकर के, ये शत्रु से मुझे निजात दिलाइए। आप देखेंगे जो भी शत्रु होगा आपको पीछे छोड़ करके आपका भाग जाएगा। कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको कपड़ा गाड़ना है, उसके ऊपर एक कील भी लोहे की ठोक देनी है, और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। आपके जीवन शत्रु ऐसे भागेगा कि जीवन शत्रु कभी था ही नहीं, पर किसी के लिए जबरदस्ती आप ये प्रयोग मत करना तो आपको उल्टा पड़ जाएगा। यदि आप सच में शत्रुओं से परेशान है तभी करना, बिना उसके नहीं करना। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग खुश रहें, आनंद में रहें, राधे राधे।